आज हम बनाएंगे एक पराठा और एक स्टफ्ड पराठा। बहुत ही आसानी है और बहुत ही जल्दी से ये बन जाता है। उसके लिए हमने ले लिए 3 अंडे। इसको हम तोड़ के फेंट लेंगे और एक छोटा सा शिमला मिर्च या कैप्सिकम जो बिल्कुल फाइन हमने कट कर लिए हैं, एक मीडियम साइज ऑनियन लिया है, 2 हरी मिर्च लिया है और थोड़ा सा धनिया पत्ती और ब्लैक पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम गैस में कढ़ाई चला दिए हैं। इसमें देंगे 2 टीस्पून ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम डालेंगे ऑनियन जो छोटे छोटे पीसेस में, एक मीडियम साइज के ऑनियन छोटे छोटे पीसेस में कटा हुआ था वो डाल देंगे। साथ ही साथ हरी मिर्च जो शिमला मिर्च है वो भी डाल देंगे। कैप्सिकम छोटे छोटे पीसेस में, साथ में जो हरी मिर्च है वो भी डाल देंगे। इसे हम ब्राउन करके फ्राई नहीं करना है, जस्ट सॉफ्ट करना है। तो हम ऐसे चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। हमें ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। हमने थोड़ा सा सॉल्ट दे देंगे कि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हम फ्राई करेंगे। ये थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, ये थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, 1/2 टीस्पून के करीब। बस अब हम इसमें अंडे हम फेंट के रखे हैं, 3 अंडे लिए हैं, ये हम फेंट के रखे हैं, ये हम इसमें डाल देंगे और इसे तुरंत चलाते जाएंगे। इसे भी हमें ज्यादा कुक नहीं करना है, जस्ट इसका हमें थोड़ा सा इसका लिक्विड इसे हार्ड करना है, लेकिन फ्राई बिल्कुल नहीं करना है। देखिए ये हो चुका है। अब ऑफ कर रहे हैं गैस। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर या गोल मरीच और 1 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया। अंडे देखिए हम कढ़ाई में ज्यादा देर तक इसे नहीं रखेंगे तो अंडे हार्ड हो जाएगा, हमें इसे बिल्कुल हार्ड नहीं करना है। बस ये हो गया, इसे हम उतार लेंगे। ये हमारा अंडा का स्टफिंग रेडी हो गया है। इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे और इस टाइम पे हमने इसका डो, पराठा का डो तैयार करेंगे। डो मैंने पहले से ही तैयार करके रखे थे। आटे के साथ हमने पूरा बिल्कुल आटा यूज करें, आटे के साथ थोड़ा सा सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑयल और 1 टीस्पून अजवाइन देके आटे को हमने नीट करके डो बना लिए। हमारा एक ठंडा हो चुका है। हमने आटे से छोटे छोटे बॉल बना के रखे हैं, इसे हम कटोरी शेप देंगे। हमने कटोरी शेप दिए, इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून हमारा जो एक का स्टफिंग बनाए थे, 1 टेबलस्पून हमने एक स्टफिंग दे दिया और इसे अच्छे से बंद कर देंगे। ये हो गया बंद अच्छे से। अब इसे हम बेल लेंगे। हम चक्की में थोड़ा सा आटा डस्ट कर लिए। अब हम इसे नॉर्मल आलू पराठा जैसे बनता है ऐसे हम इसे बेल लेंगे। ये हमने बेल लिए। अब ये डायरेक्ट जाएगा पैन पे। पैन हमारा गर्म हो चुका है, हमने डाल दिए इसे एक पराठा। अब इसे हम थोड़ा सा सेक लेंगे अच्छे से, पहले ड्राई सेकेंगे उसके बाद थोड़ा सा ऑयल देके इसको सेक लेंगे। देखिए आप थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन स्पॉट आ चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल देंगे और इसे पलट के फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल देंगे। बस ऐसे ही सेक लीजिए। बन गया हमारा एक स्टफ
पराठा बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी तो है ही। हमारा हेल्दी टेस्टी एक पराठा या एक स्टफिंग पराठा बिल्कुल रेडी टू सर्व है। इसे घर में जरूर बनाइए, बच्चों के बहुत ही पसंद आएगा।